ये देखिए, ये जो लिंक एक्सप्रेस है यहाँ से, देखिए वो बीच का स्क्रू कपलिंग खोल दिया गया है। ये वाली ट्रेन अलग रामपुर निकल जाएगी और ये ट्रेन है हमारी निकल जाएगी काठगोदाम के। साथ एक छोटा सा वैगन वर्कशॉप भी देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बाकी चलिए, हमने जो है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे खाना भी ऑर्डर करा है। जो पहले ऑर्डर किया था अजमेर जंक्शन पे वो तो नहीं आ पाया, मतलब ट्रेन जो है 5 मिनट ही रुकी थी, 10 मिनट का हॉल्ट है, 19 मिनट लेट चल रही थी इसलिए ट्रेन रुकी भी नहीं। मेरी बात भी हुई थी वो आ रहा था भैया पर नहीं आ पाए किसी कारणवश। चलिए, उसको तो मैंने कंप्लेंट रेज कर दी है, वो रिफ़ंड वगैरह जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि जयपुर में हमने क्या ऑर्डर कर रखा है। एक दूसरा रेस्टोरेंट मैंने सिलेक्ट करा है और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जयपुर में जो अजमेर जंक्शन में जो है फ़ूड वगैरह मेरा कैंसिल हो गया था, मैंने कौन सी ऐप से किया था वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगा, और जो जयपुर में फ़ूड आ रहा है उसका रिव्यू भी दे दूँगा साथ के साथ। कि चलिए, इस पार्ट को जो है ना जयपुर तक ही रखेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दो पार्ट में जर्नी बनने वाली है, मतलब रानीखेत की जर्नी है, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी हो जाएगी, क्योंकि शाम तक जो है मुरादाबाद आएगा, मुरादाबाद तक अपने को कवर करनी है इस ट्रेन को। गुड़गांव मतलब देख लीजिए 5-6 बजे 7 बजे के आसपास गुड़गांव आ जाएगा। हाँ जी, जो मैं बता रहा था ना आपको, जो ऑर्डर कैंसिल होता है उसका रिफ़ंड आ गया है मेरे पास, जस्ट अभी मैसेज आया है मेरे पास कि उसका रिफ़ंड आ गया है। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है, रिफ़ंड दे दिया है कंपनी, मतलब ठीक है। बाकी खाना नहीं मिल पाया इस चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस है, कोई बात नहीं। 3 बजे तक का है जयपुर, 3:15 तक पहुंच जाएगी जयपुर, अगर टाइम से मिल जाती है तो लंच भी हो जाएगा। फिर देखते हैं रात में क्या ऑर्डर करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर ट्रेन आ रही है कोई। टर्मिनल गरीब रथ वाया जयपुर अजमेर, दो गरीब रथ चलती है इस रूट पे, एक जो जाती है कोटा तक जाती है और एक वाया जो है अजमेर और अजमेर होते हुए निकलती है। ये वाली लाइन, ये वही वाली गरीब रथ थी। बाकी चलिए, जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आ रहा है और असनपुर जॉबनेर और किश और साथ ही साथ जो है कनकपुरा का स्किप देखिएगा, बहुत ही प्यारा स्किप होता है इधर का। मैंने काफ़ी बार उसके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं गेट पर रहता हूँ, अदरवाइज़ मैं इधर कुछ भी नहीं है सेक्शन में ज़्यादा कुछ, उसी के लिए मैं स्पेशली जो अभी वेट कर रहा हूँ।
जोधपुर वंदे भारत। पर 3:15 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है जयपुर रेलवे स्टेशन। वेलकम टू द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। कि जयपुर पे यहाँ पर हमारा 15 का हॉल्ट रहने वाला है। यहाँ से रेवाड़ी वाली लाइन पे हम निकल जाएंगे और यहाँ से जो एक लाइन है आपकी सवाई माधोपुर से आ रही है, इसलिए जयपुर एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और जिस लाइन से हम आ रहे हैं वो अजमेर वाली लाइन, इसलिए जयपुर जो है रेवाड़ी अजमेर मेन लाइन पर एक मेजर इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लीजिएगा, वो बेटर रहेगा। फ्रूट्स वगैरह के वो ऑप्शन आ रहे पीछे देख रहे होंगे, मिल जा रहा है इजीली, मतलब फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है और ट्रेन की ऑक्यूपेंसी अभी तक तो नॉर्मल चल रही है। चलिए, पहले जो स्कैम हुआ था वो तो बच गए, कम से कम अभी तो खाना आ गया। अभी मैंने IRCTC ई कैटरिंग से खाना ऑर्डर किया था, शायद इस वजह से आ गया है। बाकी चलिए, डिपार्चर होता है तो तब मैं मिलता हूँ आपको स्टेशन पे। बाकी बाहर भी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। और मैं आपको एक चीज़, एक न्यू चीज़ बताऊँगा कि अभी अभी जो है मैंने देखा ऐप में अवेलेबिलिटी है, वो मैं आपको अभी जब फूड रिव्यू करूँगा ना उस टाइम पर मैं बताऊँगा आपको। बाकी चलिए, कोच में चलते हैं अंदर। और मैं यहाँ पर, हाँ, साफ़ सफाई का भी काम चल रहा है कोच के अंदर। ये जो है ऑनबोर्ड क्लीनिंग स्टाफ होते हैं ना, उसके अलावा जो यहाँ पे स्टेशन पे क्लीनिंग स्टाफ होते हैं मशीन वगैरह से, वो भी चल रहा है। यहाँ पे क्लीनिंग का काम हो गया है काफ़ी अच्छे तक। ये देखिए, क्लीन वगैरह करके गए हैं। और यहाँ पे एक फ्रेट ट्रेन का अराइवल हो गया है, फ्रेट ट्रेन क्रॉसिंग हो रही है। बाकी देखिए, पानी वगैरह रिफिलिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। ठीक, चलिए ट्रेन डिपार्चर होती है फिर मैं आपको मिलता हूँ उसके बाद। चलिए, यहाँ पर 3:27 पे ऑन टाइम डिपार्चर हो गया हमारा जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जयपुर जंक्शन,
IRCTC ई कैटरिंग से ऑर्डर किया है 150 रुपीज़ का, राजमा और राइस। अभी क्या लेट हो गए ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लाइट फूड ही खाना चाहिए, और वैसे भी मैं जर्नी के दौरान जो है लाइट फूड ही प्रेफर करता हूँ। चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ और इसका प्राइस बताता हूँ कितने का है। थोड़ा सा जो है ये देखिए, राजमा टेस्ट करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड है राजमा विद राइस। ये तो मानना पड़ेगा ये प्रिपेयर फ्रेशली है। बाकी हाँ, ये मुझे पड़ा है आपका 158 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। और बाकी आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन IRCTC फूड के। साथ ही साथ आपको IRCTC पे एक ऑप्शन देखने को और मिल रहा है, अभी मैंने चेक किया था कि जैसे मैंने अपने ये ट्रेन का ऑर्डर डाला, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ना Zomato का भी ऑप्शन दिख रहा था। अभी एक मिनट रुकिए, मैं Zomato को बताता हूँ। देखिए आप Zomato से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं PNR डाल के डायरेक्टली। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कैसे करना है और प्रोसेस का। अगर आपकी आप अराइवल स्टेशन पे अवेलेबल होगा तो आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेशन पे। बाकी यहाँ से जो है हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जर्नी का, तो आगे जो आने वाला स्टेशन है अपकमिंग शायद बांदीकुई है रेलवे स्टेशन। एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ, बांदीकुई ही होगा जहाँ तक है। बांदीकुई रेलवे स्टेशन आएगा, दौसा आएगा, दौसा तो नहीं कवर करेंगे। बांदीकुई जंक्शन आने वाला है 4:40 पे। ट्रेन जो है शायद 10 मिनट डिले चल रही है, तो बांदीकुई को कवर करते हैं और लंच कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, तो यहाँ पर 7:09 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये आपका, अजमेर से जो हम ट्रेन आ रही है ना हमारी रेवाड़ी अलवर वाली मेन लाइन पे, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है दिल्ली के लिए। बाकी देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है, और मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जिस लाइन से हमारे अलवर वाली लाइन और न्यू दिल्ली वाली लाइन आके मर्ज हो रही है, साथ ही साथ आपकी जो है भवानी जंक्शन वाली लाइन मिल जाएगी, रोहतक जंक्शन वाली लाइन मिल जाएगी आपको, साथ से साथ आपको मिल जाएगी रिंगस वाली मेन लाइन मिल जाएगी, लोहारू वाली मेन लाइन मिल जाएगी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। चलिए काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ से भी बोर्ड और डीबोर्ड हो रहे हैं, थोड़े बहुत चल रही है, पर वैसे ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो ट्रेन के अंदर ऑक्यूपेंसी नॉर्मल है। यहाँ पर भी जो है 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का। चलिए, और फिर उसके बाद जो है हमने गुड़गांव के अंदर अपना डिनर ऑर्डर कर रखा है, तो फिर मैं आपको गुड़गांव में मिलता हूँ। चलिए, बाकी इस ट्रेन के अंदर आपको 150 रुपीज़ की खाने की थाली देखने को मिल जाएगी साइड पर एंट्री के अंदर, जो कि बिल्कुल स्कैम चल रहा है। वो थाली तो बिल्कुल लेना ही मत, स्कैम है बिल्कुल एक नंबर का। खाना ऐसा मतलब ख़राब खाना बेच रहे हैं, ठीक नहीं है। आप तो ऑनलाइन ऑर्डर करो, सबसे बेस्ट है। मैं तो आपको हर वीडियो में बोलता हूँ और हर वीडियो में बताता भी हूँ प्रोसीजर कि खाना कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ से ऑर्डर करना है, रेस्टोरेंट वगैरह सभी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि खाना कहाँ बेस्ट मिलेगा। अगर इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं ना इस ट्रेन के अंदर, तो आपको गुड़गांव के अंदर खाना अच्छा देखने को मिल जाएगा। काफ़ी मल्टीपल रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे गुड़गांव में, खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो दिल्ली के एंड में ट्रेन, दिल्ली के एंड में भी रुकती है ट्रेन। इसके अलावा पुरानी दिल्ली के अंदर भी काफ़ी टाइम पर रुकती है, 40 मिनट रुकती है ट्रेन, तो आप वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं आराम से खाना। पर मेरे रिकमेंडेशन रहेगा फूड की क्वालिटी अच्छी अच्छी है, तो आप गुड़गांव पे ही ऑर्डर कर लीजिए। फिर ये डिपार्चर होता है तो मैं मिलता हूँ यहाँ पर। बाकी रेवाड़ी की जो है ये गज्जक बहुत फेमस है, यहाँ पे देखिए वो मिल रही है। रेवाड़ी आए तो ये लेना मत भूलिएगा। ये देखिए मिल रही है गज्जक,
पकौड़े, गरम पकौड़े वगैरह सभी कुछ मिल रहे हैं। डेकर एक्सप्रेस चलिए, यहाँ पर आधा घंटे की देरी से 8:36 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर। अब बस यहाँ से जो है हम लोग दिल्ली गेंट हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा। और यहाँ पर जो हमने खाना मंगाया था वो आ भी गया है, मैं ट्रैक कर ही रहा था, उससे बात हो ही गई थी। 2 मिनट का हॉल्ट है, खाना वगैरह मंगाए तो ध्यान रखिएगा, 2 मिनट का ही हॉल्ट रहता है। आप कॉल वॉल करके उससे कन्फर्म कर लीजिए ट्रेन वगैरह की, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बाकी देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। यहाँ पर बस मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है हमारा यहाँ पर, तो लोग यहाँ पे उतर भी रहे और चढ़ भी रहे हैं। चलिए, कुछ सब्सक्राइबर भी बने हैं नए, जो कि जैसलमेर से हमारी ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे। चलिए इनसे जानते हैं कि इनको कैसा रिव्यू है। बताइए ट्रेन कैसी लगी आपको? ये बहुत अच्छी लगी, जैसलमेर से ट्रैवल कर रहे हो, वीडियोस देखना पसंद आएंगे बहुत सारे, ये भी वीडियो आएगा जल्दी। चलिए ठीक है, इसके बाद जो है अब दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन आ रहा है, दिल्ली कैंट को स्किप करेंगे, दिल्ली सराय रोहिल्ला कवर करेंगे और ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन कवर करेंगे। साथ ही साथ जो है अभी लंच डिनर का रिव्यू करते हैं। चलिए, डिनर में मैंने ऑर्डर कर लिया है दाल चावल, दाल फ्राई और एक पराठा गोभी का ऑर्डर कर लिया था। इसको जो है रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जो पराठे का रिव्यू करते थे हैं,
डिनर लाइट ही मैं खाता हूँ रात के टाइम पे। दाल विद राइस। मैं रेस्टोरेंट का नेम डिस्क्रिप्शन में पिंक कर दूंगा, आप ऑर्डर कर लीजिएगा, गुड़गांव में आपको खाना मिल जाएगा। बाकी चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ फटाफट, दाल चावल, और मेरे को इसका टोटल प्राइस पड़ा है 170 रुपीज़ अप्रॉक्स मुझे प्राइस पड़ा है। इसको मैं फटाफट फिनिश करता हूँ, और फिलहाल जो है अभी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन आ गया, इसके बाद दिल्ली सराय रोहिल्ला आ रहा है और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहा है, तो उनको देखते कवर करते हैं। चलिए इसको जो है हम फिनिश करते हैं फटाफट। हाँ जी, यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो है 15 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, और बाकी देखते हैं यहाँ पर जो डिले चल रही है, तो डिले के कारण जो हमारी ट्रेन का यहाँ पर हो सकता है 10:15 पे ही ट्रेन को ऑन टाइम निकाल दी जाए। बाकी यहाँ पर भी जो है ट्रेन की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट फुल होने जा रही है, और यहाँ से दिल्ली सराय रोहिल्ला वाली मेन लाइन आ रही है, और हम लोग जिस लाइन से आ रहे हैं ये वाली लाइन, जिससे अजमेर वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन मर्ज हो जाती है, और नई दिल्ली वाली एक लाइन आ रही है, इसलिए जो है जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी इस साइड पर जो है मोबाइल वगैरह की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए संभाल के रखिएगा। चलिए हम लोग भी जो है अब ट्रेन के अंदर चलते हैं, डिपार्चर वगैरह मैं थोड़ा बहुत हो सका तो दिखा दूंगा, अननेसेसरी क्या है कि रिस्क वगैरह लेना नहीं है। और खाना जो था वो मतलब बहुत सही था खाना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रेस्टोरेंट का नेम भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। बाकी चलिए जो है ट्रेन में अंदर चलते हैं हम लोग। चलिए 15 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मुझे सामने लगी है मसूरी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए। देहरादून न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस।
प्रयागराज एक्सप्रेस। शिवगंगा एक्सप्रेस। आनंदविहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। इसको पहले ले लिया है भाई साहब प्लेटफॉर्म। एक्सप्रेस 9 घंटे लेट चल रही है। दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ पर 11:22 पर हमारी ट्रेन का अरावल हो गया है गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर,
अब ये बाहर जाना तो सेफ नहीं है क्योंकि गाज़ियाबाद वगैरह साहिबाबाद वाले जैसी एरिया है ना जो सेफ एरिया नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ ज़्यादा। बाकी मैंने आपको कोशिश बनते हुए अराइवल दिखा दिया है। चलिए अब यहाँ से डिपार्चर लेके और हमारी यहाँ से ट्रेन जो है मुरादाबाद वाली लाइन पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा मैं जो है डिपार्चर वगैरह दिखा दूँगा आपको हो सका तो, कि इसके बाद जो है कोशिश करूँगा कि मैं मुरादाबाद जंक्शन को कवर करूँ और फिर अब सोने जाएंगे। तो जहाँ भी नींद खुलेगी कोशिश मैं करूँगा मुरादाबाद पे जो लिंक अलग होगा इस ट्रेन का, क्योंकि ये लिंक एक्सप्रेस है और इंडियन रेलवेज में एकमात्र यही ट्रेन चल रही है कॉर्बेट पार्क एक्सप्रेस के साथ जो लिंक एक्सप्रेस है। बाकी चलिए डिपार्चर हो गया है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, फिर मैं बाकी की बात कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी हमारा डिपार्चर हो गया है। बाकी जैसा मैंने बोला था, देखिए वादा किया था आप लोगों को, मुरादाबाद में मैं उठूँगा और मुरादाबाद में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ जो कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस का जो लिंक है हमसे अलग होने वाला हो रहा है। वहाँ पे देखिए भीड़ लगी है ना, वहाँ से जो है हमारी ट्रेन का जो है दो भाग में बढ़ जाएगी ट्रेन। कॉर्बेट पार्क अलग हो जाएगी रामपुर के लिए और हमारी जो ट्रेन है काठगोदाम रानीखेत ये अलग हो जाएगी। चलिए मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो लिंक एक्सप्रेस है यहाँ से देखिए वो बीच का स्क्रू कपलिंग खोल दिया गया है। ये वाली ट्रेन अलग रामपुर निकल जाएगी और ये ट्रेन है हमारी निकल जाएगी काठगोदाम की तरफ। यहाँ से अलग अलग हो गई है ट्रेन। ये जो है ये गार्ड वैन बीच में लगा हुआ है, अब इसका यूज़ किया जाएगा यहाँ से लिंक एक्सप्रेस में हमारी। बाकी कोहरा देखिए सामने भाई साहब, क्या ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है चारों तरफ। ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1301 एक्सप्रेस योगनगरी ऋषिकेश से चलकर बरेली जंक्शन लखनऊ के रास्ते हावड़ा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 1. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1238 अंकुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जम्मू तवी से चलकर शाहजहांपुर लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर के रास्ते वाराणसी को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 1, 2, 2, 3, 8. Angola Superfast Express from Jammu Tawi to Varanasi. Is arriving on platform number 2. Thank you.
यहाँ पर 1260 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद 5:22 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे। बाकी अभी जो है ट्रेन यहाँ पर देखिए 10-15 मिनट डिले है, काफ़ी अच्छा स्लैग दे रखा है। चलिए ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन की पंक्चुअलिटी को लेकर ठीक है पंक्चुअलिटी, पर कि स्टॉपेज बहुत ज़्यादा दे रखे हैं इसके ट्रेन के। जैसलमेर से लेकर यहाँ तक 26 घंटे लगा रही है, मतलब 1260 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। लॉन्ग रूट की ट्रेन है और पुराने कोचेज़ के साथ चलती है। कोचेज़ की हालत की बात करूँ तो ठीक है, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते अच्छे हैं, ऐसी हालत में चल रहे हैं। बाकी क्लीननेस यहाँ की ठीक है, OBHS वगैरह जो है वर्किंग करता है। आपको ये जर्नी कैसी लगी है जोधपुर से लेकर काठगोदाम तक की ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जर्नी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये जर्नी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगा आपको ऐसी किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, काठगोदाम आ रहे हैं तो यहाँ से जो है नैनीताल घूमने जा सकते हैं आप, बिल्कुल नज़दीकी जो है नियरेस्ट हिल स्टेशन है। वैसे आपको वहाँ के लिए हल्द्वानी के लिए उतरना पड़ेगा, काठगोदाम आने की जरूरत नहीं, वहीं से बसेस वगैरह की जो फैसिलिटी मिल जाती है। कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ था भाई साहब। करेंट टेम्परेचर की बात की जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस कम्प्यूटर है। चलिए